देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी से लेकर 0 टू इंफिनिटी, मतलब ये डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी और ये कोडोमेन है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। देखो फंक्शन ये है fx equal to x upon 1 plus x, इसमें 1 1 on 2 चेक करना है, इस फंक्शन में हमें 1 1 on 2 चेक करना है। और ध्यान दो ये 1 1 है लेकिन on 2 नहीं है, ये सवाल का आंसर है। 1 1 on 2 चेक करना है। देखो ध्यान दो, जैसे y बराबर x अपॉन 1 प्लस x है, इसका करें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया बोलो, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। मतलब हमारा जो डिफरेंशिएशन है देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, 1 1 हो गया। ध्यान दो 1 1। अब देखो ध्यान दो इसका रेंज निकालें, है ना, रेंज निकालें। देखो रेंज कैसे निकालेंगे, y बराबर x अपॉन 1 प्लस x है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा बोलो, डिनोमिनेटर सॉरी रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मेथड क्या होता है बोलो, ये रैशनल फंक्शन है तो रेंज कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस x इंटू y इक्वल टू x, y बराबर x कॉमन तो 1 माइनस y, देखो x का वैल्यू क्या आ गया, y डिवाइड बाय 1 माइनस y। अब हम देखें y क्या नहीं हो सकता, देखो y 1 नहीं हो सकता, मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस 1, रेंज में 1 नहीं आएगा। जबकि देखो इसका कोडोमेन ये दिया गया है 0 टू इंफिनिटी, है ना, कोड। अच्छा एक बात और ध्यान दो, एक्चुअली x पॉजिटिव है, देखो ध्यान दो यहां पर इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका फंक्शन का डोमेन क्या है बोलो, ग्रेटर देन 0, तो मतलब यहां पर x पॉजिटिव दिया है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो x क्या दिया है, x दिया है ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर डोमेन r होता तो फिर रेंज वो होता जो मैंने लिखा था r माइनस 1। एक्चुअली यहां पर x पॉजिटिव दिया है, x की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है तो x को ग्रेटर इक्वल टू 0 लेके चलो, तो y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जब y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव किया जाए, देखो माइनस से इधर मल्टीप्लाई इधर माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, देखो y अपॉन y माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, वेबी का मेथड लगा दिया जाए, y की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, हमें लेस देन 0 चाहिए तो y क्या हो गया बोलो 0 और 1 के बीच में। ध्यान दो तो ये इस फंक्शन का रेंज आ गया 0 और 1 के बीच में, जबकि इसका कोडोमेन क्या है बोलो 0 टू इंफिनिटी। तो देखो जो रेंज है 0 और 1 के बीच में और कोडोमेन क्या है 0 टू इंफिनिटी, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 तो ये है लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको।